इंडिया गठबंधन की शनिवार को एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में 10 दलों के नेताओं ने शिरकत की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इसके लिए लालू यादव के नाम की पैरवी कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव जी सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए गठबंधन का चेयरमैन कांग्रेस के नेता को बनाया जाना चाहिए। मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं, मैं गठबंधन में बिना कोई पद लिए काम करूंगा। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में सीताराम येचुरी, सोनिया गांधी और ब्लॉक के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे मना कर दिया। जेडीयू की ओर से पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा शामिल हुए थे। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को ही इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष बनाना चाहिए। मंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, कोई समझ नहीं। आप लोग क्या लगता है, बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? इनकार कर दिया सर, इनकार क्या? संजय झा के मुताबिक नीतीश कुमार ने संयोजक बनाने को लेकर अभी सहमति नहीं दी है। नीतीश ने मीटिंग में कहा था कि मेरी किसी पद की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हम चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर आगे बढ़े। जरूरी है कि गठबंधन में शामिल दलों में एकजुटता बनी रहे। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने बैठक में बड़े दलों के नेताओं के शामिल नहीं होने पर कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है। बता दें कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देकर बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में नहीं शामिल होने के पीछे टीएमसी सुप्रीमो की नाराजगी भी एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि वो नीतीश को इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनाए जाने पर सहमत नहीं थी। बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर तीखा जुबानी हमला भी बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।